साथियों एक सवाल और है, अभी पूरे देश में बहस चल रही है कि लेलैंड की मूर्ति को गिराया तो भाजपा आरएसएस के नेता लोग एक तो दुखद है कि इस पूरी हिंसा में जो वहां पे हो रही त्रिपुरा में पूरे केंद्रीय मंत्री जी उनके सारे भाजपा के बड़े बड़े नेता खुलेआम ये भाषण दे रहे हैं कि हिंसा गलत नहीं है। ये हिंसा गलत नहीं है। मार्क्स और लेलैंड की जब भी बात करते हैं, लेलैंड को विदेशी है, लेलैंड जो है देश के नहीं है, देश के नहीं है, मगर ये समझना चाहिए कि लेलैंड जो है इस पूरे देश के नहीं, पूरे दुनिया के नेता हैं। लेलैंड जो है पूरे कम्युनिस्ट पार्टी के, पूरे दुनिया के आम जनता के, गरीबों के, मजदूरों की क्रांति के नेता हैं। लेलैंड और मार्क्स की जो क्रांति हुई उसी की बदौलत पूरे दुनिया में 8 घंटे का काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे समाज के लिए लागू हुआ। इसी मार्क्स और लेलैंड की जो क्रांति है उसके बाद पूरे दुनिया में श्रम कानून बने, उसके बाद पूरे दुनिया में ट्रेड यूनियन एक्ट बने, उसके बाद पूरे दुनिया में न्यूनतम वेतन और वेतन का समझौते करने का अधिकार मिला। तो लेलैंड एक ऐसी शख्सियत है जिसको देश के नाम पे नहीं बांटा जा सकता। दूसरा चीज एक और समझने की जरूरत है कि लेलैंड के जो है भगत सिंह जो थे हमारे देश के क्रांतिकारी सबसे बड़े, भगत सिंह के जो आइकॉन थे, भगत सिंह के जो गुरु थे, भगत सिंह की जो ताकत थी वो लेलैंड थे। आपको पता है भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तब भगत सिंह ने कहा था कि मेरे को एक किताब चाहिए। जब उनसे पूछा गया आपकी आखिरी इच्छा क्या है तो उन्होंने लेलैंड की किताब मांगी थी और लेलैंड की किताब को पढ़ने के लिए मांगा था और आखिरी में उन्होंने लेलैंड की किताब को पढ़ा। ये पूरे देश को समझने की जरूरत है कि लेलैंड का जो क्रांतिकारी विचार था, जो क्रांतिकारी विचारधारा थी, उसी विचारधारा से भगत सिंह और पूरी क्रांतिकारी जो टीम थी भारत देश की, वो उसी की ताकत से उनके अंदर वो क्रांतिकारी विचार पैदा हुए और उसी ताकत से उन्होंने अपनी जान देने का, कुर्बानी देने का हौसला पैदा हुआ और उसी के हिसाब से उन्होंने अंग्रेजों को ललकारा। तो समझने की जरूरत है कि लेलैंड वो शख्सियत है जो हमारे देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, जो सारी क्रांतिकारी टीम थे उनके गुरु थे, वो उनके गुरु हैं। तो ऐसे कह देना कि जो है हम ये भगत सिंह का ये विदेशी हैं, ये गलत समझ है। हम सबको समझना है कि विचारधारा मजदूरों की, गरीबों की दुनिया में विचारधारा लाने वाले लेलैंड हैं, जिनका हम सलाम करते हैं, जिनको लाल सलाम करते हैं और पूरी दुनिया की मेहनतकश जनता को उन्होंने खड़ा किया, पूरी दुनिया की मेहनतकश जनता को एक विचारधारा दी, दुनिया की मेहनतकश जनता को ये बताया कि मजदूर राज कैसे कायम हो सकता है, पूरी दुनिया में मजदूरों का, गरीबों का भी सत्ता हो सकता है, ये मार्क्स और लेलैंड के विचारों ने बताया। इसलिए साथियों ये जो लड़ाई चल रही है मार्क्स और लेलैंड और बाकी जो हमला आरएसएस का हो रहा है, ये दो धाराएं हैं। एक धारा है जो पूंजीपतियों की धाराएं हैं, अमीरों की धाराएं हैं। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और इसके सारे संगठन, ये वो लोग हैं जो पूंजीपतियों का एक संगठन है, पूंजीपतियों के पूंजीवाद को आगे चलाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और दूसरा जो धारा है वो धारा मजदूरों की, गरीबों की, दबे कुचले लोगों की, किसानों की, आम जनता की धारा है, वो मार्क्स और लेलैंड की विचारधारा है, जिस विचारधारा को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सारे क्रांतिकारियों ने फॉलो किया, बड़ी संख्या में देश के लिए जान दी। तो इसलिए साथियों इस विचारधारा को समझना है, सारे नौजवानों को समझना है और आने वाले समय में लड़ाई तेज होने वाली है। आने वाले समय में दो ही विचारधाराओं का टकराव होना है, एक तरफ भाजपा और आरएसएस जो ये राजनीति पूंजीपतियों की राजनीति होगी, दूसरी तरफ भगत सिंह, लेलैंड और मार्क्स के विचार होंगे जो मजदूर, किसान, गरीब, आम जनता की राजनीति होगी। ये दोनों राजनीति का टकराव होगा, दोनों राजनीति का संघर्ष होगा आने वाले दिनों में, ये पक्का है। इसके लिए देश के मेहनतकश वर्ग को खड़ा होना पड़ेगा, देश के नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा, देश के जो किसान है, आम जनता, उसको समझना पड़ेगा, भाजपा आरएसएस की गलत और गंदी राजनीति को समझना होगा, धर्म के और जात के बेड़ियों से बाहर निकलना होगा, क्षेत्रवाद, जातिवाद, जो भी जितना जहर हमारे दिमाग में बोया जा रहा है इससे हटना पड़ेगा और हमको एक स्वतंत्र राजनीति के साथ मुद्दों पर राजनीति को समझना पड़ेगा।
हमको ये समझना पड़ेगा कि राजनीति से ही सब कुछ बदलता है, राजनीति ही मुख्य चीज है। अगर हम अपनी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, तो राजनीति को समझना पड़ेगा, मजदूर वर्ग को राजनीति को समझना पड़ेगा, राजनीति में शामिल होना पड़ेगा, राजनीति के लिए खड़ा होना पड़ेगा, राजनीति करना पड़ेगा और इस राजनीति में वामपंथी समाजवादी राजनीति के साथ खड़ा होना पड़ेगा। लाल झंडे की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, पूरे देश में वामपंथी पार्टियों को मजबूत करना पड़ेगा, पूरे देश में लाल झंडे की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, हर गांव से हर गली से लाल झंडे लेकर लोगों को निकलना पड़ेगा, तभी इस देश में क्रांति होगी, तभी इस देश में मजदूर राज कायम होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं।